करीब 60 करोड़ रुपए की बेशकीमती शासकीय जमीन के अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम और एसपी धर्मवीर सिंह की मौजूदगी में हुई बड़ी कार्यवाही। खरगोन के मांगरुल रोड पर कलेक्टर प्रबंधक वाली 11 एकड़ 77 डिसमिल भूमि से हटाया अतिक्रमण। बुलडोजर चलाकर पक्के निर्माण, कच्चे निर्माण, गेहूं की खड़ी फसल को हटाया। एसपी धर्मवीर सिंह ने बताया, कब्जेधारी योगेश ठक्कर वर्ष 2017 में रेप का आरोपी रहा है। आरोपी का केस न्यायालय में चल रहा है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, एसपी धर्मवीर सहित बड़ी मात्रा में पुलिस बल ने रिक्त कराई जमीन। जमीन की कीमत 60 करोड़ के लगभग बताई जा रही है। कब्जेधारी योगेश के चचेरे भाई जगदीश ठक्कर ने आरोप लगाया, बाप दादाओं के समय से हमारी जमीन है, मंदिर की जमीन थी, प्रशासन तानाशाही कर रहा है। वही कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने बताया, जमीन कलेक्टर प्रबंधक की है, जमीन पर बगैर अधिकार के कब्जा था, उसे हटाकर सरकारी स्वामित्व में जमीन ली। भूमि है, इसमें शासकीय रिकॉर्ड में प्रबंधक कलेक्टर के नाम दर्ज है और ये मंदिर की भूमि है। इस पे बिना किसी अधिकार के ये कब्जा था और काफ़ी दिनों से कब्जा था, इसलिए आज इसको हटाया गया। पूरी ज़मीन शासन के स्वामित्व में ली जाएगी और जो भी आगे नियमानुसार उपयोग होगा वो किया जाएगा। कितनी सर जमीन की कितनी कीमत होगी? देखिए, अनुमानित कीमत लोग 50 से 60 करोड़ बता रहे हैं, लेकिन सबसे ये है कि शहर के भीतर ये बहुत ही बेशकीमती ज़मीन है और ये बहुमूल्य शासकीय ज़मीन है। लंबे समय से सर कब्जा कर रखा था। ये आश्चर्य की बात है कि इतने दिनों से कब्जा था और संबंधित व्यक्ति पे अपराध दर्ज हुआ था जो कब्जेधारी था, और वो भी बलात्कार जैसे गंभीर अपराध दर्ज हुए थे, और उसको उस समय क्यों एक्शन नहीं लिया, इसकी जांच की जाएगी। बेसिकली ऐसी सारी ज़मीनें जो मंदिरों की ज़मीनें हैं और मंदिरों को उपयोग के लिए दी जाती हैं, वो प्रबंधक कलेक्टर का नाम इसलिए दर्ज होता है कि उसका उस ज़मीन का उपयोग मंदिर की देखभाल के लिए हो, किसी के निजी लाभ के लिए ना हो। तो ये ज़मीन किसके कब्जे में सर रहेगी? ज़मीन चूँकि प्रबंधक कलेक्टर है तो इसके लिए तहसीलदार यहाँ के रिसीवर होंगे और उनके कब्जे में रहेगी, और भविष्य में अगर कोई अगर इस पर कब्जा पाएगा तो तहसीलदार जिम्मेदार होंगे। ये अभी जो सरकारी ज़मीन से कब्जा हटाया गया है, इसमें जो बोर्ड लगा हुआ था वो बेसिकली 2017 में रेप का एक्यूज रहा है। एक माइनर लड़की के साथ में बलात्कार केस रजिस्टर था, एट्रोसिटी की धारा में केस रजिस्टर था। तो रेप के एक्यूज के द्वारा इस प्रकार का जो कब्जा किया गया था उसको प्रशासन और पुलिस ने मिलकर हटाया है। उसमें केस में फर्दर क्या अपडेटेड स्थिति है इसकी जानकारी लेंगे, उसमें भी कोई वैधानिक फर्दर कार्रवाई करने की जरूरत होगी तो वो भी की जाएगी। डिजियाना न्यूज निमाड़ खरगोन। बाहर की पल पल की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल डिजियाना न्यूज निमाड़ को सब्सक्राइब जरूर करें।